रात को बारिश बरसी है तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा। अभी भी पहाड़ों के बीच में आखिरी जा रहे हैं दोस्तों गणेश जी का मंदिर इस पहाड़ी में आगे यहाँ तक ही आए थे, अभी और ऊपर चलेंगे दोस्तों, पहाड़ पे चलेंगे बिल्कुल। उठा लगे मतलब जाना पत्थर के नीचे दोस्तों, बहुत ताकत कर रही है मौसम खाने के लिए, मौसम खींच रही मेरे फोटो दोस्तों, खींच रही मौसम फोटो, बड़ा पत्थर है ये भाई। लोगों यहाँ पे घूमने बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अच्छा मन लग रहा है यहाँ पे। भीमगट्टा तो एक ही गट्टा है यहाँ पे, इतना मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ पे। और दोस्तों अब मैं ऊपर आया ना तो मेरे को लग रहा है हम पहाड़ों के बीच में रहते हैं, क्योंकि इससे पहले पहाड़ों के लग ही नहीं रहता है ना मौसम। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, और दोस्तों आज हम जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर में बैर मौसम, तो दोस्तों चलते हैं गणेश जी के मंदिर में। सभी मौसम दो जगह को दूध पिला रही है, अभी दूध पी रहा है, अभी दूध पिला देती है, फिर भूख लगेगी इसको। तो हम जाएंगे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर दोस्तों, यहाँ से हमारे 25 किलोमीटर दूर गणेश जी का मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन करने के जा रहे हैं दोस्तों। हम अचानक प्लान बन गया हमारे जाने का, तो अब जा रहे हैं दोस्तों, चलते हैं वहाँ का मंदिर दिखाते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों तैयार हो गई मौसम भी, और चलने के लिए हम जा रहे हैं अब गणेश जी के, चले तैयार है, चलो ठीक है। और हमारा जो खेल रहा है यहाँ पे देखो दोस्तों, आज यहाँ फिर रहेगा इसको, नुआया भी हमने, और अभी इसको सर्दी लग रही हुई, आज को बारिश बरसी सुबह। चलो दोस्तों बाइक की स्टार्ट कर ली और अब चल रहे हैं, और दोस्तों रात को बारिश बरसी थी बहुत भयंकर, तो घर के आगे पानी भरा पड़ा, अभी कल ही दुखाई थी बाइक को, और आज फिर गंदी हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों यहाँ से 25 किलोमीटर चलेंगे हम, मौसम क्या आगे गई दोस्तों, हमारे मंदिर में गई मौसम दोस्तों, ये आ गई मौसम, ये पानी चढ़ाने के लिए जा रही है मंदिर में, यहाँ पे शिवालाजी का मंदिर है तो हम पानी चढ़ा के आएगी मौसम। चलो दोस्तों मंदिर में चलते हैं, हमारे में मौसम पानी चढ़ा रही है, मैं भी चलता हूँ अंदर। ओहो दोस्तों मौसम अब चढ़ा रही है पानी, दोस्तों मौसम पानी चढ़ा दिया मंदिर में, और अब चलते हैं हम, लपकड़ इसको चले। चलो दोस्तों चलते हैं गाड़ी पे हमारी पे, दोस्तों हमारे घर से चल दिए हम, और आज रात को बारिश बरसी है तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा, आपको दिख भी रहा अगर दोस्तों सभी को, तो बदल छा रहे हैं, बिल्कुल धूप नहीं है, और एकदम से बहुत मस्त व्यू आ रहा है दोस्तों, क्या नेक्स्ट लेवल का व्यू आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है। तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है दोस्तों, और मज़ा आ रहा है आज, काफ़ी दिनों के बाद में जा रहे हैं आज गणेश जी के, और 10 किलोमीटर दूर गाठा पड़ता था, उस गाठे से क्रॉस कर चुके हैं हम, अभी पहाड़ों के बीच में आखिरी जा रहे हैं दोस्तों। देखो पहाड़ों का मज़ा ही कुछ अलग है दोस्तों चलने में, ये इस रूट पे मैं इस बाइक से पहली बार आया हूँ दोस्तों, और देखो यहाँ पे सफ़ेदों के पेड़ ही पेड़ हैं, यहाँ से 4-5 किलोमीटर में करीब सफ़ेदों के पेड़ पेड़ मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों इस बाइक का एक ही मज़ा है, जैसे भी ओवरटेक करते रहते हैं सेकंडों में ओवरटेक हो जाती है दोस्तों, इसकी पावर की वजह से। मेन स्टैंड यही है दोस्तों विराटनगर का, अब यहाँ से गणेश जी का मंदिर आ जाएगा, और दोस्तों ये सामने यहाँ पे गणेश जी का गेट लग रहा है दोस्तों, गणेश जी का मंदिर इस फाड़ी में आगे, और वो भी थोड़ी फाड़ी के ऊपर ही है दोस्तों गणेश जी का मंदिर भी, तो गणेश जी के मंदिर के अंदर प्रवेश ले लिया हमने, और सामने मंदिर है दोस्तों ये। और चलो दोस्तों यहाँ पे पार्किंग लगा देते हैं गाड़ी को, और फिर चलते हैं मंदिर के अंदर, प्रसाद लेते हैं यहाँ पे, प्रसाद ले चलो। चलो दोस्तों पहुँच गए, और अब चलते हैं मंदिर में ऊपर, वहाँ पे वो मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे दुकानें भी लग रही हैं, हर बुधवार को लगती हैं सभी दुकानें यहाँ पे, और ऊपर भी चलेंगे पहाड़ पे, मंदिर नीचे है दोस्तों, फिर चलेंगे ऊपर दोस्तों, काफ़ी भीड़ है। चलो दोस्तों मंदिर में चलते हैं अंदर, दोस्तों यहाँ का व्यू क्या मस्त व्यू है दोस्तों यहाँ का, दोस्तों ऊपर आ गया मैं, यहाँ का व्यू ऐसे दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, ऊपर जा रहे ऊपर देख के आएंगे क्या क्या है ऊपर, रोके थे यहाँ तक ही आए थे, अभी और ऊपर चलेंगे दोस्तों, पहाड़ पे चलेंगे बिल्कुल, पहाड़ पे चढ़ के दिखाएंगे आपको वहाँ का व्यू।
दोस्तों ये कुंड है यहाँ का नहाने का पानी का। गाय भी क्या गे? गाय सड़ गई, गाय पेड़ी पेड़ी सड़ गई। ये गंगा धारा है, हाँ वहाँ लिखना है गंगा धारा, ये गंगा धारा है। दोस्तों मंदिर भीमकट्टा, दोस्तों नाग नागिन पत्थर सूर्य कुंड इधर है, चलते हैं ऊपर। दोस्तों आंखें लोर आगे कहीं सीढ़ियों से चढ़ा हुआ है। और दोस्तों मौसम डर लग रहा है, कैसे नहीं मारे, नहीं मारेगा दोस्तों मौसम पक गई डर लग रहा है, अब आ गई डर लग रहा था वो है। वैसे ही डर रही थी दोस्तों, कैसे डर के भगी है मौसम बहुत ज़्यादा। दोस्तों एक पत्थरों की कटिंग देखो कैसे, एक पत्थर लग रहा है नीचे उसका गुफा सी बन रही है, तो कहाँ पड़ गई फोटो खिंचाने के लिए, तो डर नहीं लग रहा है अभी पत्थर आ गया तो ऊपर से। दोस्तों मौसम पत्थर को उठाएगी, देखो अब ताकत लगा रही पत्थर उठाने को, उठा लगी मतलब जाना पत्थर के नीचे ही। दोस्तों बहुत ताकत कर रही है मौसम उठाने के लिए, कैसे एक आंसू तो लगा रही उठाने के लिए, एक आंसू उठा लेगी आज तो पत्थर उठा ली दोस्तों इसने पूरा ही, कितना बड़ा पत्थर उठाई है, आ जा बहुत बड़ा। इसके नीचे घर है, कोई भी बरसात वरसात आए तो छुप जाओ, बरसात ही नहीं लगेगी। और क्या बरसात कहाँ लग रही है, इसमें पानी नहीं आएगा, नहीं जा रहा हूँ बैठो खूब आराम से। बहुत सारे लोग आ सकते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे पत्थर यहाँ पे बहुत है आपको दिखाएंगे। और ऊपर चलेंगे देखो सामने दिख रहा होगा दोस्तों पत्थरों का पत्थर। दोस्तों मौसम कहाँ छट गई फोटो खिंचाने के लिए, पत्थर नहीं घुस गई, एकदम मस्त लोकेशन है, घूमने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आज ठंड भी हो रही है, देख जगह भी देखने लायक है, पत्थर कटिंग बन रही है एकदम से यहाँ पे, और फोटो शूट को आज बहुत अच्छी फोटो आ रही है, मौसम खींच रही है मेरे फोटो दोस्तों, खींच रही है मौसम फोटो। दोस्तों यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है ऊपर, और हम आ गए काफ़ी ऊँचा, आ गए पत्थरों के बीच में, बहुत मोटे मोटे पत्थर हैं दोस्तों, काफ़ी ऊंचा पत्थर है। ये देखो पत्थर कितने ऊँचे ऊँचे पत्थर हैं दोस्तों यहाँ पे, ये तो एकदम से दिख रहा है नाग नागिन का पत्थर, अभी देखते हैं नाग नागिन का पत्थर कहाँ पे है। दोस्तों इसको नाग नागिन का पत्थर दिखाएं मौसम को, बहुत काफ़ी ऊपर आ गए, और ये नीचे का व्यू है यहाँ पर। दोस्तों आगे कुंड है तो चलते हैं कुंड देख के आते हैं, और मौसम भग रही मेरे से आगे आगे ये आ गए हम काफ़ी ऊपर आ गए दोस्तों, बहुत ऊपर आ गए भाई। लोगों यहाँ पे घूमने बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि अच्छा मन लग रहा है यहाँ पे, नहीं लग रहा मन अच्छी जगह। दोस्तों इसमें भैंस ना रही है, देखो दोस्तों भैंसों की मस्ती सड़ी हुई है, भैंस ना रही है, गुमटी बन रही है, वहाँ पे चलना है। दोस्तों हमने काफ़ी बार आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन कभी भी इतने ऊपर नहीं आए थे, आज हमने क्या सोचा ब्लॉग शूट करके लाना है, तो चलते हैं ऊपर ही चलते हैं। और काफ़ी लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि अभी इस टाइम में काफ़ी लोग घूमते भी हैं, तो खूब लोग आए हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ रहा है दोस्तों। और चलते हैं और भी ऊपर, देखो दोस्तों क्या नज़ारा है यहाँ का, क्या खूबसूरती है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों ये है भीमकट्टा, आपको मैंने बोल रहा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर भीमकट्टा, तो एक ही गट्टा है यहाँ पे, और बाकी गट्टे और दोस्तों पांच गट्टे थे भीमकट्टे, लेकिन एक गट्टा तो मिल गया हमारे को। और दोस्तों और भी हैं गट्टा, तो दिखाते हैं। मैंने लाइफ में ऐसा कहीं 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 पर नहीं घूमा, मैंने मज़ा आ गया एक नेक्स्ट। और अभी मौसम आगे जा रही है कुंड देखने के लिए, ये कुंड है क्या दोस्तों, ये कुंड है, ये पानी भरता है यहाँ पे बारिश के टाइम में, और यहाँ इसी यहाँ से रम रम के नीचे जाता है। ऊपर क्या है इसमें, देख लो भी है ये तो ऊपर भी वैसे गुमटी हो गया वो भी, ऊपर गर्मी से लग रही है। दोस्तों आज मैंने पहाड़ पे चढ़ लिया, काफी बार सोच के आया ना, और यहाँ से देखो आपको दिख रहा होगा मंदिर को, बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ से, क्या काफी ऊपर आ गए हम। दोस्तों आप सभी देख सकते हो हम पहाड़ों के बीच में रहते हैं। उस दोस्तों साइड से हम पहाड़ों के, उस पहाड़ के सारे साइड यहाँ पे, और देखो यहाँ पे कितना मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ पे। और दोस्तों अब मैं ऊपर आया ना, तब मेरे को लग रहा है हम पहाड़ों के बीच में रहते हैं, क्योंकि इससे पहले पहाड़ों के लग ही नहीं रहता है ना मौसम, अब लग रहा है जैसे पहाड़ों के बीच में रहते हैं, इतने सारे पहाड़ हैं, पर ये पहाड़ अलग ही है, इसमें सारे पत्थर मोटे मोटे हैं, छोटे छोटे पत्थर नहीं है, बहुत मोटी मोटी शिला है इस पहाड़ पे, जैसे भीमकट्टा भी है यहाँ पे अभी, और काफी देखो दोस्तों सामने रखे हैं कतरे मोटे पत्थर,
छोटे पत्थर और ऐसे एक ही सारे पे डट रहे हैं। और दोस्तों ये आसपास नहीं है ऐसा कोई फाड़, आसपास नहीं है वो ऐसा फाड़ के, ये एक ही है। और इधर देखो दोस्तों अभी ऊपर भी डिजाइन डिजाइन है, तो डिजाइन के पत्थर सारे ऊपर देखो कितने छेद छेद सन, देखो काई बन रहा है घर सा। दोस्तों यहाँ पे इतना मस्त व्यू है, ऐसा मन कर रहा है कि पूरा दिन यही घूमते रहे इसी पहाड़ में। दोस्तों मौसम डांस रहे तोड़ रहे इस पेड़ों में से, डांस रहे खा रही है देखो, अच्छे लाल लाल आ रहे हैं खट्टे खट्टे। दोस्तों डांस रहे का पेड़ है और इसमें खट्टे खट्टे लाल लाल डांस रहे आ रहे हैं, मौसम खा रही है। कैसे खा रही है ऐसे टूटपड़ी जैसे, देखते झाड़ी को देखते ही टूटपड़ी खाने के लिए, पर कहते हैं दोस्तों स्वाद है तो खाना पड़ता ही है, खा रही है स्वाद लग रहा है इसको। दोस्तों पहाड़ों में ये फ़ायदा है काफ़ी चीज़ देखने को मिलती है। दोस्तों हमने काफ़ी देर घूम ली और अब जा रहे हैं नीचे, चलते हैं नीचे और फिर चलेंगे बाइक के पास और बाइक को लेके चलते हैं घर पे। अंदर बैठो का दोस्तों मौसम बोल रही है अंदर बैठने की सीट, एक पहाड़ मेरा एक और यहाँ पे क्या बारिश के टाइम में पानी आता है इधर, दोस्तों काफ़ी चीज़ें देखने के लिए, हमने काफ़ी चीज़ देख ली आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा। दोस्तों मंदिर में आ गए नीचे और अब मंदिर में पहुंच गए हम, मंदिर ही आ गया हमारा मंदिर में, प्रसाद चढ़ा के ऊपर गए थे पहाड़ में और अब मंदिर के पास में आ गए और चलते हैं फिर। अब सही बताना स्कूल जाती है कि नहीं जाती, नहीं जाती ना अभी आता स्टाफ आता है बच्चा स्कूल नहीं जाता। मम्मी कहाँ बैठे तेरी मम्मी नहीं है यहाँ पे, घर पे है मम्मी, आप यहाँ पे है बेटा, मम्मी घर पे आप यहाँ पे बेटा पैसे मांग रहे हो बेटा पटाकर, ठीक है ना ले मौसम दे, ठीक है बेटा आप खुश हो जाना, मम्मी को ले जाके देगी क्या। हमारी गाड़ी ड्यूब को स्टार्ट कर ली और अब चलते हैं ऐसे मंदिर में से, चलो दोस्त ऐसे चल दिए। दोस्तों मज़ा आ गया मंदिर में जाके और काफ़ी ऊपर पहाड़ में चढ़ के आए हैं, मज़ा आ गया बहुत। वो कहते हैं ना खुशी जाहिर नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा खुशी हुई है। तो वहाँ के जो खूबसूरती है पहाड़ की, वहाँ पत्थरों की, वो बहुत अच्छी लगी। चलो दोस्तों आइसक्रीम खाते हैं विराट नगर की कुल्फी, कुल्फी भंडार खाते हैं दोस्तों यहाँ पे भंडार ही खाएंगे, मटका कुल्फी बोलते हैं इनको। दोस्तों अंकल दो कुल्फी देना, अंकल दोस्तों कुल्फी ले लिया हमने ना मौसम, और अब कुल्फी खाते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने विराट नगर की कुल्फी खा ली, बहुत टेस्टी कुल्फी थी दोस्तों यहाँ की, और क्या हम कभी भी आते ना तो हम कुल्फी ज़रूर खा के जाता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की फेमस कुल्फी है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों घर से अब, और दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और हमारा दोस्तों ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें शेयर करें लाइक करें, और ऐसे व्लॉग देखने के लिए हमारे को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों आप सभी। और दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, वैसे काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया दोस्तों आज का हमारा,